तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने एक और नए ब्लॉग पर। तो यार काफ़ी दिनों से हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश, जिस वजह से हमारा काम जो था घर का वो थोड़ा डिले हो गया। तो आज फाइनली हमारे घर का जो है वो छत पड़ रहा है। तो सारे गाँव वाले जिनको जितने भी गाँव वाले हैं उन सबको बुलाया है छत डलवाने के लिए। तो गाँव में होता यही है कि जब किसी का ऐसा कोई काम होता है या फिर जैसे घर का छत पड़ना होता है तो सब गाँव वालों को बुलाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और दिखाता हूँ आपको कि गाँव वाले कैसे मदद करते हैं जब किसी का कोई काम हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार रात को हुई थी बहुत ज़्यादा बारिश, और बारिश के बाद आप चेक कर सकते हो अभी तो बहुत तकड़ी वाली धूप लगी है। यह आज का मौसम कुछ इस तरीके से। यार चलो चलते हैं घर, अब दिखाता हूँ आपको कि घर पे क्या हो रहा है। तो यार मैं पहुँच गया हूँ घर, और घर पहुँचते मेरे को भी एक काम मिल चुका है। क्योंकि आप जो देखेंगे सामने ये हमारा छत है जो आज पड़ना है। अभी जो सब लोग जो है छत पे जो सरिया हैं उसे बांध रहे हैं, तो मुझे भी अभी यही काम करना है। आधे से ज़्यादा छत की जो सरिया हैं वो बंधी हुई है, थोड़ी बहुत सरिया हैं जो सब लोग मिल के बांधेंगे। तो यार अभी मैं छत से आया चाचाओं के घर पे जहाँ सब लोगों के लिए खाना बन रहा है। तो अभी यहाँ पे बन रही है रोटियाँ, और नीचे जो है वहाँ बन रहा है, एक तरफ बन रहा है यहाँ पे हलवा और दूसरी तरफ बन रहा है छोले, जो कि सब लोग अभी काम शुरू करने से पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। यही चीज़ यार गाँव की बहुत अच्छी लगती है कि कभी आपके पास अगर जैसे आपने किसी सबको बोल दिया है कि भाई हमारा कल ये काम है सब लोग आ जाओ, तो सब लोग आ जाते हैं और आपकी मदद करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये गांव की बहुत अच्छी लगती है, जो कि हमारे पहाड़ में ही देखने को मिलती है। अब यार तार बनने के बाद यहाँ पे जो लाइट का काम है वो चल रहा है, और इसके बाद ही शुरू होगा अब अगला काम। तो यार मैं तो कर रहा था घर पे काम, और मैंने सुना कि गांव में शूटिंग हो रही है हमारे पहाड़ी गाने की। तो मैं भागते हुए गाँव में आया तो देखा यार यहाँ तो हमारे गाँव के बगल वाले गाँव के एक सिंगर हैं, भैया हैं, तो उन्हीं के गाने की शूटिंग हो रही है यहाँ पे। यार मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारे गांव में आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी शूटिंग नहीं हुई है। ये पहली बार हो रहा है कि हमारे गांव में एक गाना शूट हो रहा है, और ये जो गाना है ये हमारे बगल वाले गांव के भैया हैं विनोद चौहान भैया, ये उन्हीं का गाना है और उन्हीं के गाने की एल्बम जो है शूट हो रही है, और सारा क्रेडिट उनको जाता है। यार आप लोग देख सकते हो कि एक वीडियो शूट करने में कितना टाइम लगता है, कितने बार उनको शॉट लेना पड़ता है। इससे पहले उन्होंने कम से कम 2-3 बार कर लिया है यही चीज़, तो आप चेक कर सकते हो। और फाइनली जो रिज़ल्ट हमको देखने को मिलता है, हम जो देखते हैं उसके पीछे की कितनी मेहनत थी, ये देख के आप लोग पता लगा सकते हो। तो यार शूटिंग देखने के बाद मैं आ गया था सीधे घर पे जहाँ काम चल रहा है। तो यार सामने आप देख रहे हो एक मशीन, इस मशीन में घोल बनेगा सारा सीमेंट और रोड़ी और रेते का। तो हम लोगों ने यहाँ से इसे उठा के सीधे छत पे ले जाना है। तो यहाँ पे अभी देखो मैं हूँ और मेरे साथ दूसरा लड़का है, तो हम वैसे ही सब लोग जितने भी गाँव के लोग हैं सारे एक एक करके जो दो दो का जोड़ा जिन्होंने सबका बना हुआ है, वो सारे लोग एक एक पल्ली को यहाँ से उठा के ऊपर छत में ले जा रहे हैं। तो यार फाइनली सुबह हम लोग लग गए थे 8:30 बजे, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:10। तो अभी जो छत है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यार हम लोगों ने जो लोग छत डालने आए थे उन लोगों ने खाने की व्यवस्था यहीं पे की थी,
तो अब सब लोग खाना खा रहे हैं। तो यार इसी के साथ आज का जो ब्लॉग है ये ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।